हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं उसी चीज़ को आगे लेकर चलेंगे। हम लोग इसके पिछले वाले क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। हमने अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ी तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात कर चुके थे। चौथे पर कर रहे थे, तब तक वीडियो टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण रुक गई थी, वो आगे नहीं हो पाया था, उसी को अब कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। शासनकाल हमने आपको बताया था कि 1296 एडी से लेकर 1316 एडी तक। इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम लोग इसका क्या क्या पढ़ चुके हैं, परिचय हो गया है। परिचय में एक बात आप लोगों को बताना मैं भूल गया था, इसका जो मूल नाम था यानी वास्तविक नाम जो था अली गुरसास था। दूसरा चीज, हम लोगों ने विद्रोह पढ़ा था, विद्रोह भी हो गया था इसके शासनकाल में होने वाले विद्रोह, किस तरह से उसे निपटा था ये भी बात कर चुके थे। तीसरी बात, हम लोगों ने मंगोल आक्रमण के बारे में भी पढ़ा था और उनसे जुड़े आक्रमणकारियों के बारे में भी, मंगोल आक्रमण। ये तीन बिंदुओं पर तो हम पूर्णतः बात कर चुके थे। चौथा बिंदु जो कि इसका कार्य है, यही हम लोग पढ़ रहे थे कि वीडियो अचानक से रुक गया, आगे नहीं कंटिन्यू किया जा सका। और पांचवा पॉइंट जो है वो है साम्राज्य विस्तार। तो जो हम पढ़ रहे थे उसी को फिर से हम लोग आगे लेकर चलेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे कार्य। इस कार्य में हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, बाजार से जुड़े कार्य के बारे में। हमने आपको बताया था कि इसने तीन महत्वपूर्ण पद बनाए, या फिर ये बाजार भी थे, जैसे सराय अदल, सराय ए अदल। दूसरा सहना ए मंडी। तीसरा ये पद है मुहत्सिब। सराय अदल ये जो था, सराय अदल ये जनसाधारण का रक्षक कहा जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि यही वो पद था या यही वो बाजार था, सराय अदल जो था ये व्यापारियों पर नियंत्रण के उद्देश्य से बनाया गया था ये पद के रूप में। लेकिन यह एक बाजार भी था, और ये बाजार इसी नाम से जो बाजार था उस बाजार में क्या बिका करता था, वस्त्र तथा अन्य सारी वस्तुएं बिका करती थी। सहनाए मंडी पद के रूप में यह इसका मैंने बाजार का ये दरोगा होता था, देख सकते हैं आप, ये बाजार का सहनाए मंडी जो पद है ये बाजार का दरोगा होता था। लेकिन सहनाए मंडी जो है ये एक मंडी भी हुआ करती थी जहाँ पर क्या बिकाता था, खाद्यान्न से जुड़ी चीज़ें यानी खाने वाली सारी सामग्रियाँ कहाँ पर मिलती थी, सहनाए मंडी बाजार में। मुहत्सिब भी एक पद था जिसे जन साधारण का रक्षक कहा जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि यही वो अधिकारी था जो बाजार में माप तौल की देखरेख करता था, निरीक्षण करता था, और बाजार के सामानों में मिलावट को भी देखने का काम कौन करता था, ये जनसाधारण का रक्षक जिसको मुहत्सिब कहा जाता था। ये हो गया। हम लोगों ने सैनिक के भी बारे में बात कर लिया था, लेकिन सैनिक से जुड़े दो टर्म है, तीन टर्म, एक होता है दो अस्पा और एक होता है मुरत्तव। एक अस्पा मतलब एक घोड़ा वाला सैनिक, दो अस्पा वाले सैनिक मतलब दो घोड़ा वाला सैनिक। इनकी सैलरी जो होती थी 234 रुपये प्रति वर्ष टंका होती थी, और इनका 378 प्रति वर्ष टंका होता था। ये जो मुरत्तव होता था ये एक ऐसा सैनिक होता था जिसे बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही
परख कर, जांच परख कर इसको नियुक्त किया जाता था। जैसे आज के दौर में कमांडो, कमांडो क्या होता है, बहुत उसको टेस्ट करने के बाद, बहुत ट्रेनिंग करने के बाद उसको बहुतों में से एक किसी एक को बनाया जाता है। उसी तरीके से ये था, आम सैनिक से ये काफ़ी ये शक्तिशाली और योग्य हुआ करते थे, ये सब महत्वपूर्ण भी थे। अब आगे हम चलेंगे, कुछ आर्थिक नियमों से समझेंगे कि आय के लिए आर्थिक गतिविधियों से जुड़े कार्य। देखिए, सबसे पहले इसके पूर्व के सुल्तानों में विद्वान या फिर पंडितों को उनके काम से प्रभावित होकर जमीनें दान में दी जाती थी। ऐसे ही इनके साथ भी होता था, अमीरों के साथ भी, सैनिकों में भी अमीर ऐसी बांट दी जाती थी, जागीरें बांटी जाती थी। परंतु जितने ये जमीन दिए जाए थे उन सबको अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, वापस छीन लिया और उसे सरकारी भूमि में तब्दील कर दिया ताकि ये पूरी तरीके से उससे कर वसूल सके। तो आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि इसने मिल्क या फिर मिल्फ, वक्फ और इनाम में दी गई भूमियों को जब्त करके इनको सरकारी भूमि या खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया है, बात समझ रहे हैं? वक्फ, मिल्फ और इनाम, इनके अलावा इसने कुछ नए कर लगाए, जैसे घरई कर, चराई कर जो दुधारू पशुओं पर लगता था, ये चराई कर। इसके अलावा जो जजिया कर था, खुम्स और जकात, इन सब का जो पूर्व में मात्रा निर्धारित थी उसमें इसने क्या करी, बढ़ोतरी कर दी। हमने आपको बताया था ऐसा क्यों ये कर रहा था, क्योंकि इसका सपना था विश्व विजेता बनने का, सिकंदर के जैसे बनने का। इसलिए इसे कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, जैसे स्ट्रॉन्ग आर्मी यानी सैनिक, साथ ही साथ बहुत सारा धन। इसी कारण ये सारा काम ये कर रहा है। आप बता दें, खालसा कर जो खालसा भूमि से कर लिया जाता था, इसने क्या किया कि उसको लगभग आधा कर दिया। यानी यदि आपने 1 किलो अनाज उगाया तो उसका आधा आपको सुल्तान को दे देना है। इन सब में बढ़ोतरी कर दी। इस प्रकार से उसके पास जाहिर सी बात है कि बहुत सारा धन इकट्ठा होगा, और जब धन इकट्ठा होगा तो वो अपने विभिन्न सा बहुत सारे अभियान करेगा अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए और अपने सपनों को साकार करने के लिए। बता देते हैं, हमने आपको बताया था कि इसके समय में बहुत सारे विद्रोह हो रहे थे, और यह भी बताया था कि ये सफलतापूर्वक सारे विद्रोहों को दबाना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन विद्रोह दबाने के बाद इसने क्या किया कि अपना दिमाग लगाया और कोशिश किया कि इन सब का जड़ क्या है, आखिर कारण क्या है कि विद्रोह हो रहा है और लोग सुल्तान से ही बगावत कर बैठते हैं। तो इसने पाया कि पहला तो ये लोग तरह तरह की भूमि दान में पा रहे हैं, जिसके कारण इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती जा रही है, और ये लोग इतने सशक्त हो पा रहे हैं कि विद्रोह कर सके। दूसरा, इसने देखा कि इनके साम्राज्य में ये लोग आसानी से कोई भी षड्यंत्र करने में सफल हो रहे हैं, इसकी भनक सुल्तान को भी नहीं लग रही है, फिर इसके लिए क्या किया जाए। आगे इसने देखा कि लोग मदिरा, दारू, शराब इतना पी रहे हैं और उसी में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये सब देखा। फिर चौथा इसको कारण मिला कि एक अमीर, अमीर मतलब सरकारी अधिकारी, एक सरकारी अधिकारी दूसरे सरकारी अधिकारी के घर वैवाहिक संबंध बनाकर दोनों स्ट्रांग हो जा रहे हैं और दोनों मिल के
विद्रोह कर दे रहे हैं और वो भी बड़े बड़े सपने देखने लग रहे हैं, यहाँ तक कि सुल्तान बनने तक का। तो ये सब देखने के बाद, परखने के बाद, जानने के बाद उसने चार अध्यादेश जारी किए, 4 ऑर्डिनेंस। तो अब इसका पढ़ेंगे चार अध्यादेश। ये क्यों जारी किया आपको बता दिए, जिसमें पहला, फर्स्ट में इसने क्या किया कि आपको अभी बताए कि मिल्फ, वक्फ और इनाम में दी गई भूमियों को, जिनको दिया गया था उनसे छीन कर खालसा में बदल दिया। अब जाहिर सी बात है, वो लोग कितना भी इसमें उपजाएंगे उसका आधा तो सुल्तान को देंगे, देंगे कि नहीं देंगे, तो अल्टीमेटली इनका आर्थिक प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा, तो ये आगे सोचेंगे ही नहीं, खाने कमाने में ही व्यस्त रहेंगे। अगला, दूसरा इसने ऑर्डिनेंस क्या निकाला, इसने गुप्तचर विभाग जो था, गुप्तचर विभाग को और सुदृढ़ किया, और सुदृढ़ करने के साथ साथ इसने गुप्तचर और नियुक्त किए ताकि उसके साम्राज्य में क्या हो रहा है इसको आसानी से पता चल सके। यहाँ तक कि ये गुप्तचर मार्केट में भी रहते थे, अगर कोई, इसने आदेश जारी करवाया था कि यदि कोई माप तौल में कमी करता है तो उस कमी को उसके शरीर से मांस काट के पूरा किया जाएगा, यानी पूरा सख्त कानून रखता था ये अपने साम्राज्य के लिए, बाजार नियम के लिए, हर तरह के लिए। तीसरा ऑर्डिनेंस क्या था कि तीसरा ऑर्डिनेंस इसने मद्यपान, शराब आदि पर पूर्ण प्रतिबंध कर दिया, पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, यानी पूरी तरीके से बैन कर दिया। इसमें जुआ खेलना भी शामिल था। चौथा, हमने आपको बताया कि वैवाहिक संबंध, तो इसने क्या किया कि अमीरों को आपस में संबंध स्थापित करने से करने से प्रतिबंधित किया कि दो अमीर एक दूसरे के घर शादी नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे अमीर मिलकर कोई सामूहिक आयोजन नहीं कर सकते हैं, ये बंद कर दिया। ये चार अध्यादेश इसको जाने जाते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के 4 ऑर्डिनेंस कौन कौन से थे, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। चार अध्यादेश इसको भी आप लोग उतार लिए हो उतरना। अब आगे का काम देखिए, आपको बताए थे एक बड़े बहुत लंबी चौड़ी उपाधि इसने धारण की थी जिसका नाम था यमीन उल खिलाफत नसीरी उल मोमिनीन। ये दरअसल उपाधि कैसे धारण की बताते हैं। खलीफा खलीफा को ये नहीं मानता था, लेकिन खलीफा को महत्व जरूर देता था, तो खलीफा को महत्व देने के लिए इसने खिलाफत उल नासिरी या नासिरी अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण की, परंतु ये खुद को खलीफा से स्वतंत्र मानता था। इसने अपने शासनकाल में उलेमाओं को हस्तक्षेप, उलेमा जो एक धार्मिक वर्ग होता था, उनके हस्तक्षेप को एकदम न्यूनतम किया। निरंकुशता इसके समय में बहुत ऊपर गई और ये सुल्तान को नहीं मानता था। ये कहा करता था कि मैं ऐसे आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए हितकर हो, इसकी इजाज़त शरीयत में है या नहीं है ये मैं नहीं जानता, ये अलाउद्दीन कहता था। इससे साफ जाहिर होता है कि ये शरीयत के आधारित शासन नहीं करता था, ये राज्य हित, इसके नज़र में जो राज्य हित है वही
मानता था। ये मतलब शरीयत से कितना अलग था, इसके बारे में हम लोग बर्नी के कथन से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। बर्नी साहब ने कहा है कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से स्वतंत्र था। इस प्रकार ये सारे काम करते जा रहा था, जिसमें सीरी का किला, अलाई दरवाज़ा, हजार सितून का महल, हजार सितून मतलब हजार स्तंभों वाला महल, और जैमत खान मस्जिद का निर्माण इसी ने करा है। तो ये इसका कार्य समाप्त हुआ, लगभग सारे इम्पोर्टेंट कार्य हो गए। अब हम लोग साम्राज्य विस्तार के बारे में चलते हैं पढ़ने। अगला हम लोगों का जो बिंदु है चर्चा का, वो है साम्राज्य विस्तार। तो साम्राज्य विस्तार में अब आपको इसका ओवरव्यू थोड़ा समझना होगा। हम लोग इस बात को तो भली भांति जानते हैं कि इसका सपना विश्व विजेता बनना था। विश्व विजेता बनने के साथ साथ यह एक अपना नया धर्म शुरुआत करना चाहता था। लेकिन भला हो अलाउल मुल्क का, जो इसका दोस्त भी था और दिल्ली का कोतवाल भी था, जिसके समझाने पर आगे चलकर इसने विश्व विजेता और धर्म की नए धर्म शुरुआत करने की सपना को त्याग दिया। नहीं तो अन्यथा आप सोचिए कि जो व्यक्ति अपने सपनों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, वो यदि नया धर्म शुरू करता और किसी के पास जाता कहता कि आप ये धर्म अपनाओ, अगर वो लोग नहीं अपनाते तो फिर क्या होता। तो अब इसके साम्राज्य विस्तार में हम लोग देखते हैं, तो इसको अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए अत्यधिक धन की ज़रूरत थी, साथ ही साथ इसको स्ट्रॉन्ग आर्मी की ज़रूरत थी। तो ये जो काम करेगा वो इसको दिमाग में रख कर करेगा, और इसके पहले हम आपको बता भी चुके हैं सेनापतियों के बारे में, सेनाओं के बारे में, इसके बारे में। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ेंगे ये सारा साम्राज्य विस्तार से संबंधित अभियानों के बारे में पढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी से पूर्व जितने भी सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत के, वो भारत में उत्तर भारत की ओर ही रहे और उधर के ही क्षेत्र को जीतने का प्रयास किया। ऐसा इसलिए क्योंकि वो लोग जानते थे कि दक्षिण भारत प्रकाश राज जैसे गुंडों का इलाका है, यदि हम उधर भिड़ंत करेंगे, उधर जाएंगे और कहीं गलती से उन्होंने तलवार मुंह में दबा कर लुंगी उठाई तो फिर खून की नदियाँ बहने लगेगी। इसीलिए उन लोगों ने नहीं किया। परंतु अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही साहसी व्यक्ति था, इसने अपना दक्षिण भारत में भी विस्तार किया, उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी जीता। तो वही हम इसके साम्राज्य विस्तार के बारे में अब चल रहे हैं पढ़ने। तो देखिए, एक तरफ हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर वर्ष कि किस वर्ष इसने आक्रमण किए, और यहाँ पर लिख देते हैं किस क्षेत्र में किया, और यहाँ हम लिख देते हैं कौन से वहाँ के शासक थे। सबसे पहला यदि हम लोग बात करें तो सन 1298 ईस्वी में इसने गुजरात पर आक्रमण किया, यानी गुजरात अभियान किया। यहाँ के शासक कर्ण सिंह बाघेला थे।
इन्हीं को रायकरण भी कहा जाता है। इनकी पत्नी थी कमला देवी और एक पुत्री थी जिसका नाम देवल देवी था। कहानी को आप समझेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दो सेनापतियों को यहाँ पर भेजा सेना के टुकड़ियों के साथ। अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति नुसरत खां और उलुग खां गुजरात मिशन पर गए। जब ये लोग गुजरात मिशन पर गए तो अहमदाबाद के नज़दीक में कर्ण सिंह बाघेला के और अलाउद्दीन खिलजियों के सेनाओं के बीच भिड़ंत हुई। इस भिड़ंत में कर्ण सिंह बाघेला पराजित हुए और अपनी बेटी देवल देवी को लेकर यहाँ से भाग गए और जाकर रामचंद्र देव, जो कि देवगिरी के शासक थे, रामचंद्र देव के यहाँ शरण ली इसने। परंतु अलाउद्दीन खिलजी के सेनाओं के हाथ कमला देवी लग गई और ये लोग यहाँ से जाते वक्त कर्ण सिंह बाघेला के सारी संपत्ति में लूटपाट करके और कमला देवी को साथ लेकर दिल्ली गए। वहाँ पे जाकर कमला देवी से अलाउद्दीन खिलजी ने इनसे शादी कर लिया और आगे यही कमला देवी अलाउद्दीन खिलजी की सबसे प्रिय पत्नी भी सिद्ध हुई। एक बात और यहाँ नोट करने वाली ये है कि गुजरात से ही जाते वक्त नुसरत खां ₹1,000 में मलिक काफूर को खरीद कर अलाउद्दीन के लिए तोहफा स्वरूप ले गया। ये दरअसल एक हिजड़ा था। ये मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सबसे प्रिय सेनापति बना और सबसे विश्वासी आगे चलकर, और इसकी यह काफ़ी योग्य व्यक्ति भी था। इसका योग्यता का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि प्रकाश राज जैसे गुंडों का इलाका साउथ इंडिया को पूरा का पूरा जीत का श्रेय इसी को जाता है। अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी के नाम से भी ये जाना जाता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे लेकिन यहाँ के लिए इतना काफ़ी है। अलाउद्दीन खिलजी और इसके रिश्ते सामान्य नहीं थे, ये उसकी पत्नी के नाम से भी जाना जाता था। इसे हजार दिनारी भी कहा जाता है क्योंकि यह ₹1,000 में खरीदा गया था। दूसरा, सन 1299 अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर जैसलमेर पर अभियान किया, जहां का शासक दूधा हुआ करता था। दरअसल दूधा पर आक्रमण करने का पीछे रीजन ये माना जाता है कि दूधा ने अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों में से घोड़े चुरवाए थे, जिसके कारण जैसलमेर पर आक्रमण करके दूधा और उसके साथियों को मार दिया गया और जैसलमेर भी दिल्ली सल्तनत के अधीन आ गया। सन 1299 के बाद तीसरा जो है सन 1301 की घटना है, जो कि है रणथंभौर अभियान। इससे पहले हम रणथंभौर के बारे में पढ़ चुके हैं। जब जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान था तो उसने रणथंभौर किले को जीतने के लिए अभियान किए थे, परंतु काफ़ी दिनों तक डेरा रहने डालने के लिए डालने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाया और वापस लौट गया असफल होकर। परंतु ये रणथंभौर का जो इसका कारण ये था कि रणथंभौर का जो किला हुआ करता था, खास करके राजस्थान के सारे किले इतने मजबूत और सामरिक दृष्टिकोण से बनाए गए होते थे कि बाहरी आक्रमण करने वाले के पसीने छूट जाते थे इस किले को जीतने के लिए, चाहे वो रणथंभौर का किला हो चाहे चित्तौड़ का किला हो। तो इसने भी अलाउद्दीन खिलजी ने भी रणथंभौर का अभियान किया, परंतु ये भी कुछ कर नहीं पा रहा था क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था। लगभग 1 साल तक, 1 वर्ष तक ये इस किला का घेरा डाला रहा
अब यहाँ के जो शासक थे वो कौन थे? तो यहाँ के शासक जो थे वो हमीर देव थे। अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर अभियान करने का दो कारण था। एक कारण तो ये कि ये जो किला था ये काफ़ी स्ट्रांग और सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण था। ये चाहता था कि ये किला मुझे मिल जाए, यदि यह किला इसे मिल जाता है तो इसकी सेनाओं को सुरक्षा से रखने के लिए ये काफ़ी काम आ सकता था। यही कारण था कि अलाउद्दीन खिलजी राजस्थान के जीतना चाहता था, क्योंकि राजस्थान के सारे किले मजबूत हुआ करते थे। और दूसरा कारण यहाँ पर इसका अभियान करने का ये था कि मंगोल नेता, दो मंगोल आक्रमणकारी थे, विद्रोही थे, जिनका नाम मोहम्मद शाह और कुहेब था। लिख देते हैं, एक थे मंगोल नेता मोहम्मद शाह और एक था कुहेब। इन दोनों को हमीर देव ने शरण दे रखी थी, और हमीर देव बहुत ही साहसी और प्रतापी शासक हुआ करते थे और इसके लिए प्रसिद्ध थे। ये जब शासक किए तो रणथंभौर का किला लगभग 1 साल तक घेरे रहने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। और जब किला पर कोई दुश्मन घेरा रहे तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी अशांति इधर भी रहेगी। तो क्या हुआ कि अंततः समझौता करने का प्रयास किया गया। इनकी तरफ से एक मंत्री था जिसका नाम था रणमल, हमीर देव का मंत्री था रणमल। वो उधर से आया समझौता के उद्देश्य से, परंतु अलाउद्दीन खिलजी ने उसे सोने चांदी जेवरात देकर, बहुत सारा धन देकर अपनी ओर कर लिया, इसके और इसके साथियों को भी। और पूछा, अच्छा ये बताओ कि इस किला को जीतने का कोई गुप्त रास्ता है, कोई गुप्त उपाय है? अब भाई साहब धन के लालच में आकर रणमल ने क्या किया, गद्दारी कर दी अपने शासक से। रणमल क्या किया, ये इन्फॉर्मेशन इनको लीक कर दी, जिसके कारण ये अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर का किला जीत गया। रणथंभौर के किले के जीतने युद्ध में हमीर देव वीरगति को प्राप्त हुए। इनके परिवार और इनकी जो बाकी महिलाएं या फिर पूरे परिवार के लोग, फीमेल्स वगैरह, उन लोगों ने क्या किया, जौहर कर लिया। ये उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने रणमल और उनके साथियों को बुलाया स्पेशल ट्रीट देने के लिए और कहा कि रणमल बाबू, आप जब अपने राजा के नहीं हुए तो आप मेरे होंगे, इसकी क्या गारंटी है? ये कहा और उसके बाद इनको और इनके साथियों को भी मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि ये गद्दारी कर चुके थे और इसके साथ भी ये कभी गद्दारी कर सकते थे लोग। फिर आगे क्या हुआ? हाँ, एक यहाँ पे शब्द आया है जौहर। जौहर शब्द से आप परिचित होंगे, लेकिन फिर भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखिए, जौहर क्या होता था, दरअसल हमारे भारत में कहीं राजपूत तो कहीं पांड्य तो कहीं मुस्लिम शासन उस समय चल रहे थे। जो मुस्लिम आक्रमणकारी होते थे वो आक्रमण करते थे और जीतने वाले क्षेत्र पर, यानी जो क्षेत्र वो लोग जीतते थे, वहाँ की महिलाओं के साथ बहुत बदसलूकी करते थे, उनके इस्मत के साथ खिलवाड़ करते थे। राजपूताना की महिलाएं और जो ये हिंदू शासक थे, उन सब की महिलाएं अपनी इज्जत और आबरू से बढ़कर कुछ नहीं समझती थी। जब उनको लगता था कि हमारे पक्ष के सैनिक या हमारे राजा मारे जाएंगे या युद्ध में पराजित हो जाएंगे, या जब हो जाते थे, तो वो लोग खुद को मुस्लिमों के हाथ या फिर बाहरी आक्रमणकारियों के हाथ लगने से बेहतर वो लोग अपने आप को आत्मदाह करने के लिए, तो एक साथ चिता जलाकर सौ सौ हजार हजार की संख्या में एक साथ उसमें जंप मार जाती थी और अपने आप को आत्मदाह कर लेते थे। इसी प्रथा को जौहर प्रथा कहा जाता था। ये 1301 की बात हो गई। ये मोहम्मद शाह और कुहेब भी मारे गए, ये और रणमल भी मारे गए। अब आगे पढ़ेंगे चौथे के बारे में। चौथा इम्पोर्टेंट है। 1303 में एक साथ तीन तीन अभियान कर रहा था। और दरअसल ये अभियान जो था इनके सेनापति ज़्यादातर करते थे, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को उतना फुर्सत नहीं था कि वो खुद जा जाकर अभियान करते रहे, लेकिन सपने बड़े थे, विश्व विजेता बनना था। सन 1303 ईस्वी चौथा अभियान, 1303।
एक साथ इसने तीन अभियान किए। एक सबसे पहला आप बंगाल का देख लें, ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन जानना जरूरी है। उसके साथ साथ इसने वारंगल, इसके साथ साथ चित्तौड़, मेवाड़ का जो राजधानी था वो चित्तौड़ था, तेलंगाना का जो राजधानी था, तेलंगाना तेलंगाना वो वारंगल हुआ करता था। बंगाल के राजा जो थे, शासक जो थे, वो शमसुद्दीन और वारंगल के जो थे प्रताप रुद्रदेव, चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह, इन्हीं की पत्नी थी रानी पद्मिनी। इन्हीं के दरबार में एक पंडित रहते थे राघव पंडित। हाँ, कहानी को इसको समझेंगे। बंगाल में शमसुद्दीन पराजित हो गया, बंगाल इन लोगों के अधिकार क्षेत्र में आ गया। वारंगल तेलंगाना प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब आती है कहानी जो चित्तौड़ की है और जो फेमस घटना है। आप लोगों ने पद्मावत मूवी देखी ही होगी, खली बली हो गया है दिल दुनिया से मेरा, वही अलाउद्दीन खिलजी है, कितना खूंखार लगता है ना। तो चित्तौड़ अभियान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो कि 1303 की घटना है। अब समझिए क्या हुआ कि ये जो पंडित थे राघव पंडित, ये अलाउद्दीन खिलजी के पास चले गए। अलाउद्दीन खिलजी पहले से ही पागल था, उसका मानना था कि हर बेहतरीन चीज़ उसका होना चाहिए। राघव पंडित ने जाकर उसे कहा कि सर, पूरे विश्व में रानी पद्मिनी, चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी से सुंदर कोई नहीं है। फिर अलाउद्दीन ने कहा तो क्या करना है, हम गुजरात की रानी से शादी कर लिए तो इनसे भी कर लेंगे। और फिर उसने चित्तौड़ अभियान शुरू कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि लगभग बहुत दिनों तक, 6 महीना से भी अधिक चित्तौड़ का घेरा डाला रखा, कोई फायदा नहीं हो रहा था। अभी आपको बताया कि चित्तौड़ के किले बहुत ही स्ट्रांग हुआ करते थे। यहाँ पर भी समझौते की बात छिड़ने लगी कि समझौता से किया जाएगा, लेकिन अब ये क्या किया, इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी राजा रावल रतन सिंह से मिलने गया। मिलने आए हैं, मिलकर चले जाएंगे। मिलकर जब वो जा रहा था तो कहा कि हमने सुना है आपकी पत्नी बहुत खूबसूरत है, एक बार देखना चाहते हैं। इतने में तो पूरा राजपूताना एकदम गुस्से से आग बबूला हो गया। परंतु ये अतिथि था और भारत में अतिथि देवो भव। फिर रानी पद्मिनी ने राजा रतन सिंह को बुलाया और कहा कि बस एक झलक देखने की बात है, तो काहे लिए खून खराबा करना। फिर हुआ ये कि अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी को मिरर में देखा, शीशा में, और देखने के बाद ये पूरा निर्णय कर लिया कि अब मैं इन्हीं से शादी करूंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अब इधर से जा रहे थे राजा रतन सिंह उनको छोड़ने, बाहर छोड़ने गए तो अलाउद्दीन खिलजी ने उनको किडनैप करके दिल्ली लेकर चला गया, बंदी बनाया और दिल्ली लेकर चला गया। और चित्तौड़ में खबर भिजवाया कि आप रानी पद्मिनी को लाइए और अपने राजा को ले जाइए। वो ये नहीं जानता था कि यहाँ पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की इज्जत होती है। वो समझता था कि हमारे जैसे है, यहाँ महिलाओं की कम इज्जत है, सुल्तान से आगे बढ़कर कुछ नहीं है, उनके लिए लोग कुछ भी कर देंगे। वो लोग रानी को लाएंगे और राजा को लेकर चले जाएंगे। परंतु ये सबसे बड़ी उसकी भूल थी। यहाँ से राजपूत सेना, राजपूतों ने क्या किया, महिलाओं के मेकअप में बहुत सारी पालकियाँ में वहाँ गए और गेट के बाहर पालकियाँ रुकी। तो अलाउद्दीन ने कहा कि भाई रानी पद्मिनी को लेकर आए हैं, जाओ खोलो, सेंटर नहीं, क्या बात। जैसे ही उसका दरवाज़ा खुला, राजपूत छलांग मार गए और कूद कर काट काट कर मार मार कर एकदम तहस नहस करते हुए
अलाउद्दीन खिलजी के चंगुल से राजा रतन सिंह को छुड़ा लिया। परंतु ये सारे राजपूत सैनिक उधर गए थे, उधर व्यस्त थे दिल्ली की ओर, राजा रतन सिंह वहाँ बंदी थे। तब तक इधर क्या हुआ, इधर ये चित्तौड़ के पड़ोस में एक जगह था जिसका नाम था कुंभलपुर, उसका राजा हुआ करता था देवपाल। देखिए यहाँ लिखते हैं कुंभलपुर, कुंभलकर भी कहा जाता है इसको, यहाँ के राजा होते थे देवपाल सिंह। इनकी नीयत बड़ी ख़राब थी और इनका भी चित्तौड़ पर आक्रमण करने का दिल कर दिया। क्यों? क्योंकि सारे राजपूत सैनिक इधर व्यस्त है दिल्ली में, यहाँ के राजा वहीं गए हुए हैं। परंतु ये नहीं जानते थे कि अभी भी इनको परास्त करने के लिए राजपूत सेना चित्तौड़ में बची हुई है। ये गए और पराजित हो गए और फिर वापस चले गए। फिर राजा रतन सिंह उधर से छुटकर आ गए, सारे सैनिक आ गए। तो जब इनको खबर चली राजा रतन सिंह को, तो इसने सबसे पहले कहा कि अब बाकी सब काम पहले बाद में होगा, पहले इस हम देवपाल सिंह से बदला लेंगे। देवपाल सिंह पर आक्रमण किए, उनको युद्ध में मार दिए, लेकिन खुद भी बीमार पड़ गए और इसी युद्ध के बाद राजा रतन सिंह मर गए। इधर अलाउद्दीन खिलजी नाराज बैठा था। अब वो चित्तौड़ पर एकदम अपने पूरे बल के साथ चढ़ाई कर दिया और चित्तौड़ पर चढ़ाई करके वहाँ पर मार काट खून खराबा करते हुए चित्तौड़ का किला उसने जीत लिया। 28 जनवरी 1303 ईस्वी को चित्तौड़ पर किसका अधिकार हो गया, अलाउद्दीन खिलजी का। लेकिन राजा रतन सिंह मरने के बाद इसके आक्रमण करने से पहले रानी पद्मिनी और उसके साथ सारी महिलाएं जौहर कर ली। चित्तौड़ पर अभियान का अधिकार करने के बाद इसने खिज्र खां को यहाँ का शासक बनाया और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, आपने ये न्यूज़ सुनी ही होगी कि संजय लीला भंसाली पद्मावती बनाते वक्त काफ़ी कूटे गए थे, उसका भी कारण मैं बताता हूँ। ये आपके सिलेबस से ही जुड़ा हुआ है, इसको अननेसेसरी नहीं समझिएगा। ये जो 1303 की घटना है, इसके बारे में दो जगह चर्चा की गई है। एक अमीर खुसरो ने किया है जो कि अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन यानी इसके दरबार में ये रहता था, और दूसरा मलिक मोहम्मद जायसी। इसने एक किताब में किया है जिसे हम लोग खजाइनुल फुतुह के नाम से जानते हैं, और इन्होंने भी एक किताब में किया है जिसे हम लोग पद्मावत के बारे में जानते हैं। इसमें दो कैरेक्टर हैं, एक है साहिबा और एक है सुलेमान। अब कहानी को समझिए, अमीर खुसरो किसके दरबार में रहता था, अलाउद्दीन खिलजी के, और उनको खुश करने के लिए कविताएं वगैरह कहता था। तो ये जो किताब खजाइनुल फुतुह की गई है, पूरी की पूरी मनगढ़ंत है। उसमें अलाउद्दीन और पद्मावत के प्रेम लीलाओं का वर्णन किया गया है, सैबा पद्मिनी को कहा गया है, सुलेमान अलाउद्दीन खिलजी को कहा गया है, और उसमें दोनों को बहुत करीब दिखाया गया है। इन लोगों के प्रेम के बारे में बताया गया है जो कि पूरी की पूरी हवा महल है यानी मनगढ़ंत है। ये अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को खुश करने के लिए लिखा था, लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी एक किताब लिखते हैं जो कि लगभग शेर शाह सूरी के समय में 1545 से 1555 के बीच में वो लिखा जाता है, पद्मावत। तो जो संजय लीला भंसाली थे, यही खजाइनुल फुतुह को आधार मानकर दिखा रहे थे, उसी से फिल्म शूट कर रहे थे। अब जरा आप बताइए कि चित्तौड़ में रानी पद्मिनी देवी समान है, अब जब ये उनको
क्या नाम है, अलाउद्दीन खिलजी के साथ प्रेम प्रसंग के बारे में दिखाएंगे तो उनका पिटना तो है ही, पिटाएंगे ही, बिल्कुल पिटाएंगे। तो इसीलिए वहाँ पर चित्तौड़ में इनकी कुटाई हो गई। वहाँ से सेठ हटाकर ये फिर कहाँ गए, महाराष्ट्र में जाकर उसी तरीके का सेठ सही कर दिए और बिल्कुल चित्तौड़ का सेट बनाकर वहाँ पर कर रहे थे, तो वहाँ पर भी जाकर राजपूतों ने इनको कूट दिया और साथ ही साथ इनका सेट को भी जला दिया। फिर अंततः इन्हें पूरा का पूरा वो सीन हटाना पड़ा जो उन्होंने ये खजाइनुल फुतूह से अलाउद्दीन और पद्मिनी के करीबी वाला सीन दिखाया था। तब इन्होंने पद्मावत को आधार बनाकर इसके बारे में, इसी से संबंधित चीज़ों को अपने मूवी में दिखाया और उसको रिलीज किया है, जो कि आप लोग देखते हैं, और पद्मावत नाम से रिलीज भी हुई है। ये इसका कहानी था। तो याद रखेंगे कि खजाइनुल फुतूह और पद्मावत जो ये दोनों बुक हैं वो किस घटना पर लिखी गई है, चित्तौड़ अभियान पर, ठीक है। और इन्हीं के आधार पर, इन्हीं दोनों के आधार पर कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने, इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ अभियान रानी पद्मिनी के अनुपम सौंदर्य के लिए किया था। चलिए 1303 की घटना कंप्लीट, अब 1305 की घटना पढ़ना है। तेरह सौ पाँच ईस्वी में इसने दो अभियान किए, एक मालवा और दूसरा जालौर। मालवा के राजा जो थे वो महलक देव थे, इनका सेनापति था हरनंद। अब कहानी को समझेंगे, जिसको हरनंद को कोका प्रधान भी कहा जाता है। ये देखिए, सन 1305 ईस्वी में मालवा अभियान हुआ, जिसका जहाँ के शासक देव मालक देव थे, उनके सेनापति हरनंद थे। ये दोनों अपने अच्छे कोऑर्डिनेशन के लिए जाने जाते थे और हर मुसीबत का ये लोग सामना काफ़ी डट कर करते थे। सन 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मुल्तान के शासक आइन उल मुल्क, सूबेदार था आइन उल मुल्क, को इस अभियान के लिए भेजा। इस अभियान पर वो आया और यहाँ पर इन दोनों को मार डाला, यानी युद्ध हुआ। उस युद्ध में महलक देव और उनके सेनापति हरनंद दोनों शहीद हुए और मालवा किसके क्षेत्र में आ गया, सल्तनत काल में। आगे जो है जालौर है, जालौर के राजा कान्हड़ देव थे। कान्हड़ देव, दरअसल 1304 ईस्वी में कान्हड़ देव ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु धीरे धीरे वो उससे स्वतंत्र होने लगे, जिसके कारण 1305 ईस्वी में इसने, अलाउद्दीन खिलजी ने कान्हड़ देव पर आक्रमण किए और इन्हें मार डाला। और यहाँ पर एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया, यहाँ शासक बनाया गया, जिसका नाम था कमालू दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग जालौर का क्या बना, शासक बन गया। अब अगला जो युद्ध है, अगला जो अभियान है, सन 1306 नंबर 1307, 1307 जो है अभियान, ये देवगिरी का है। देवगिरी के राजा कौन थे, रामचंद्र देव। इनका एक बेटा था जिसका नाम शंकर था। देखिए, जिसका नाम शंकर देव था, इसको सिंहन के नाम से भी जाना जाता था। अब समझिए,
हालांकि हम लोग पढ़े थे सुल्तान बनने से पहले ही अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण कर चुका था और वहाँ पर इनको पराजित करके अधीनता भी स्वीकार करा दी थी। उस समय इन्होंने वादा किया था, कौन, रामचंद्र देव ने, कि हम आपको एचिलपुर से जितना आय मिलता है उस एचिलपुर का आय सब आपको भेजा करेंगे, और हर वर्ष भेजते भी थे। परंतु उनका बेटा आगे चलकर हस्तक्षेप किया, शंकर देव, और वो आय भेजना बंद कर दिया, कर भेजना बंद कर दिया, जिसके कारण मलिक काफूर को किसने भेजा? अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए जैसे ही वह पहुंचा, रामचंद्र देव ने उसे क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन इससे पूर्व आने के दौरान उसने एक और काम किया कि आपको बताए थे कि गुजरात अभियान से जब वो लोग कर रहे थे तो वहाँ से वहाँ का शासक कर्ण सिंह बघेला भाग कर कहाँ आए थे? देवगिरी आए थे। रास्ते में देवगिरी आने से पूर्व अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर का भिड़ंत कर्ण राजा से हुई, कर्ण सिंह बघेला से, और उनको पराजित कर दिया। उनकी बेटी को फिर दिल्ली भेज दिया, जहाँ जाकर देवल देवी का विवाह खिजर खां से कर दिया गया। जब ये देवगिरी पहुंचा, रामचंद्र देव ने आत्मसमर्पण किया, और आत्मसमर्पण के बाद ये देवगिरी को लूटते हुए जलालुद्दीन मलिक काफूर दिल्ली ले गया, लूट लिया और रामचंद्र देव को साथ दिल्ली ले गया, जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने इनके साथ उदारता दिखाते हुए इन्हें राय रैना की उपाधि दी। राय रैना मतलब राजा की राजा। ऐसा देखो दिमाग कैसे लगा रहा है। वो जानता था कि ये देवगिरी के शासक हैं, काफ़ी मजबूत शासक हैं, इनके सेना में मराठा सेना है, मराठा सेना काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेना होती थी। यदि मैं इनसे दोस्ती कर लूँ तो मेरी सेना बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? यदि मैं दक्षिण में कोई भी अभियान करूँगा तो ये हमारे सहयोग करेंगे। यही सोचकर उसने इनके साथ, अलाउद्दीन खिलजी ने उदारता पेश की और इन्हें राय रैयान की उपाधि दी, और देखिए इन्हें नवसारी का जिला भी दिया, और साथ ही साथ 1 लाख टंका, स्वर्ण टंका भी दिया, उपहार देकर इनको वापस भेज दिया गया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी और रामचंद्र देव के बीच रिश्ते संबंध अच्छे हो गए। लेकिन देवगिरी जीतने के बाद, देवगिरी के बाद 17 नंबर है, सन 1308 ईस्वी में इसने सिवाना को जीतने का प्रयास किया। सिवाना का साथ शासक शीतल देव थे। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाओं के साथ ये काफ़ी संघर्ष करते हुए मारे गए, और यहाँ पर भी शासक कौन बन गया? कमालुद्दीन कुर्ग। ये 1308 की सिवाना अभियान था। अब हम लोग चलते हैं आगे, फिर बढ़ते हैं। आप लोगों ने लिख लिया होगा? नहीं लिखा होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसका 8वां अभियान हम पढ़ेंगे, 1308 के बाद 1309। 1309 ईस्वी में इसने तेलंगाना अभियान किया। चलिए तेलंगाना अभियान के बारे में देख लेते हैं। तेलंगाना, इसकी राजधानी कहाँ थी? वारंगल, आपको बताए थे अभी। यहाँ पर किस शासक का शासक था? काकतीय वंश का प्रताप रुद्रदेव थे। मलिक कफूर जब अलाउद्दीन खिलजी के कहे जाने पर तेलंगाना अभियान शुरू किया, जब वह तेलंगाना पहुंचा तो ये प्रताप रुद्रदेव एक सोना का मूर्ति बनाकर उसके गले में सोने का चेन बिन बन डालकर मलिक कफूर को भेज दिया, यानी आत्मसमर्पण कर दिए। यही नहीं, लगभग 100 हाथी, 700 घोड़े,
और बहुत सारा धन इन्होंने अलाउद्दीन को भेंट किया। यही नहीं, इतना ही से ये नहीं माने, अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी के लिए इन्होंने विश्व का प्रसिद्ध हीरा जिसको कहा जाता है कोहिनूर, कोहिनूर हीरा भी इन्हीं ने मलिक काफूर को दिया, जो कि मलिक काफूर ले जाकर अलाउद्दीन खिलजी को दिया। ये कोहिनूर हीरा वारंगर के खानों से प्राप्त हुआ था। अब देखिए इस कोहिनूर हीरा पर भी टॉपिक बनाया जाएगा, ये कभी भारत का है, परंतु आज इसकी स्थिति क्या है कि किस शासक में कहाँ था, किसके पास था, ये सब हम लोग एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे। इनके बारे में, मलिक काफूर के बारे में और अमीर खुसरो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये था तेलंगाना अभियान। रुद्रदेव ने यहाँ पर क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी के भी अधीनता स्वीकार कर ली और फिर अब हम लोग पढ़ेंगे नौवा, पढ़ेंगे 1310 ईस्वी। अगला है सन 1310 ईस्वी में, सन 1310 ईस्वी में इसने होयसल राज पर, होयसल पर आक्रमण किया। होयसल का जो राजधानी था वो द्वार समुद्र था। होयसल राज्य की राजधानी द्वार समुद्र हुआ करती थी और यहाँ का राजा वीर वल्लाल तृतीय था। वीर वल्लाल तृतीय, इस पर जब आक्रमण किया गया तो बहुत आसानी से इसने आत्मसमर्पण कर दिया और इस प्रकार होयसल भी खिलजियों के अंतर्गत आ गया। अब अगला है दसवां आक्रमण सन 1311। सन 1311 ईस्वी में इसने पांडे राज पर अभियान किया और पांडे राज के जो राजा हुआ करते थे वो हुआ करते थे वीर पांड्य। देखिए पांड्या, पांडे पर इसने क्या किया, अभियान किया, वहाँ के जो थे वो वीर पांडे थे। दरअसल ये दो भाई थे लो, वीर पांड और सुंदर पांड। इन दोनों में सत्ता के लिए संघर्ष हुआ जिसमें वीर पांड विजय हुए। ठीक है, देखिए जब इस पर आक्रमण हुआ मलिक काफूर ने किया, यही एक ऐसे शासक थे जो अलाउद्दीन खिलजी से पराजित नहीं हुए। पराजित होते कैसे, युद्ध ही नहीं किए। क्यों युद्ध नहीं किए, जब 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 मलिक काफूर इनको ये जहाँ रहते थे युद्ध करने के लिए जाता था तो ये वहाँ से भाग जाते थे। सपोज कीजिए ये पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, तीसरा, ये पहले स्थान पर है, मलिक काफूर अगर इनको आया मारने के लिए, युद्ध करने के लिए, तो ये भागकर दूसरे स्थान पर गए, दूसरे स्थान पर गया तो तीसरे पर, तीसरे से चौथे, इस तरह, यानी ये भागने में बहुत वीर थे। तो दक्षिण भारत में एक वीर पांड्य जो थे जिनको बिना पराजित किए हुए ही अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर वापस लौट गया था, लेकिन बहुत सारा धन इसने यहाँ से लूटा था। ये सफल आक्रमण इसीलिए माना जाता है क्योंकि बहुत सारा धन लूटा था। ये जिस जिस जगह पर गए थे हिंदू के लिए जाने जाने वाला, जैसे मान लीजिए एक स्थान से दूसरे स्थान गए ना, तो हर स्थान के हिंदुओं के लिए बड़ी अच्छे फेमस जगह हुआ करती, तो वहाँ पे मंदिर होते थे, उन सारे मंदिरों को मलिक काफूर तोड़ते गया, वहाँ पर मस्जिद वगैरह बनाते गया, लूटपाट करते चला गया। और आखिरी 11वां सन 1312 ईस्वी में इन्होंने फिर से देवगिरी पर आक्रमण किया। हम लोगों ने ये जानते हैं कि देवगिरी पर रामचंद्र देव का शासन था, परंतु उनके मर जाने के बाद उनका बेटा सिंहन देव बड़ा, जो कि इनसे पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गया, इसलिए मलिक काफूर को भेजा गया देवगिरी पर। देवगिरी पर गया, उसने उनको पराजित किया और पूर्व देवगिरी भी दिल्ली के अंतर्गत आ गया, यानी दिल्ली सल्तनत में जुड़ गया। 1312 आते आते अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य सिंधु नदी से लेकर दक्षिण में द्वारक मदुरा तक था, द्वारक नहीं मदुरा तक, और पूरब में वाराणसी से लेकर पश्चिम में गुजरात तक था। इतनी दूरी तक इसका साम्राज्य फैल चुका था। यदि अलाउद्दीन खिलजी के अंतर्गत अगर कोई राज्य नहीं था तो वो था बिहार, उड़ीसा, नेपाल और इसके साथ साथ आपका असम भी।
जम्मू कश्मीर यानी कश्मीर। इन्हीं राज्यों को छोड़कर बाकी सारे के सारे अलाउद्दीन खिलजी के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत के राज्य बन चुके थे। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार ख़त्म हुआ और पूरा का पूरा अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित तथ्यों को मैंने आपको बता दिया। अब जब हम अगले वीडियो में मिलेंगे तो इसी से जुड़े कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि इसके शासनकाल में रहने वाला अमीर खुसरो, उसके बाद इसका सेनापति मलिक काफूर और कोहिनूर हीरा के बारे में हम लोग आगे की वीडियोज़ में बात करेंगे, फिर हमारी लेक्चर आगे चलते चले जाएंगे। तो आज के लिए थैंक यू, जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।